रामगढ़ उपचुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है। चुनाव में करीब 67% वोटिंग हुई है। जनता ने अपना फैसला दे दिया है। अब सभी 18 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, लेकिन जीत के दावे सभी कर रहे हैं। अब जनता का आशीर्वाद किसे मिला है और किसे जनता ने नकार दिया, इसका पता 2 मार्च को चलेगा। रामगढ़ उपचुनाव में बम्पर वोटिंग, 18 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद। अब 2 मार्च को आएगा उपचुनाव का नतीजा। रामगढ़ उपचुनाव में बम्पर वोटिंग हुई है। वोटिंग को लेकर मतदाताओं में उत्साह देखा गया। मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोटिंग में हिस्सा लिया। वोटिंग को लेकर मतदान केंद्रों पर लंबी लाइन लगी रही। आधी आबादी ने भी मतदान को लेकर खासा उत्साह देखा गया। महिलाओं के लिए 3 मतदान केंद्र बनाया गया था। वहीं बुजुर्ग और दिव्यांगों ने भी अपने मत का इस्तेमाल किया। मेरा झारखंड का विकास हो, ताकि मैंने मेरे क्षेत्र का मैंने समस्या जो इसको समाधान हो जाए, और साथ 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 बेरोजगारी का भी कुछ लोगों से मेरा अनुरोध रहेगा कि बेरोजगारी का जो समस्या को दूर रखने का प्रयास कर सके। एनडीए की प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने अपने पूरे परिवार के साथ मतदान किया। सुनीता चौधरी के साथ सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी और उनकी बेटी ने भी वोट डाला, जिसके बाद चंद्र प्रकाश चौधरी और सुनीता चौधरी ने जीत का दावा किया। जो रामगढ़ की जनता से मुझे आशा और भरोसा भी है कि मुझे सेवा करने का मौका देंगी, और जो उनके साथ हमेशा जो विकास के कार्य और सुख दुख में रहे हैं उन्हें जरूर देंगे। जीत के प्रति तो पूरा आश्वस्त है, हम लोग जीत सुनिश्चित है, और लोगों का जो रुझान है, जो चुनाव प्रचार में हम घूमे, लोग काफी उत्साहित है। कांग्रेस उम्मीदवार ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जिसके बाद उन्होंने उम्मीद जताई कि उन्हें जनता का समर्थन मिलेगा और वे भारी मतों से उपचुनाव में जीतेंगे। पूरा आश्वस्त है, विश्वास है कि यहाँ की आम जनता, की गरीब जनता, गांव का बेटा को आज वोट देकर जितवाएंगे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज जो चुनाव हो रही है, सत्ता शक्ति का चुनाव है, जनता को आज न्याय मिलेगा। रामगढ़ उपचुनाव में जनता ने अपना फैसला दे दिया है। 18 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, लेकिन सभी पार्टियां जीत का दावा कर रही है। में कि जो 4 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए और जो परिणाम आए हैं, वही परिणाम रामगढ़ में भी आएगा, और भारी मतों से हमारे उम्मीदवार बजरंगी महतो जी चुनाव जीते। रामगढ़ हम भारी मतों से जीतने वाले हैं, और ये सरकार इतिहास रचने जा रही है। 5 उपचुनाव, 5 हम जीतेंगे। मैंने पहले भी बोला था कि इस बार बड़ा जनादेश पार्टी के पक्ष में आएगा। रामगढ़ अपना खोया गरिमा वापस लाने के लिए रामगढ़ के वासी मतदान कर रहे हैं। भारी मतों से एनडीए की उम्मीदवार सुनीता चौधरी जी जीतने जा रही हैं। आज आपको बता दे रहा हूं कि मतदान हो गया संपन्न, और ईवीएम में परिणाम भी बंद हो गया है। 2 तारीख को जब परिणाम आएगा तो आप देखिएगा कि वहां पे केला खिलेगा। आशू की उम्मीदवार, एनडीए की उम्मीदवार भारी मतों से जीतेगी। रामगढ़ की जनता का फैसला ईवीएम में कैद है। अब 2 मार्च को जनता का यह फैसला सामने आएगा। काउंटिंग के साथ ही यह साफ हो जाएगा कि किसके वादे पर जनता ने भरोसा जताया और किसे नाकार कर दिया। न्यूज 11 भारत के लिए रामगढ़ से महावीर, राकेश, शहनवाज, विपिन और राजेश की रिपोर्ट। तो रामगढ़ विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग आज संपन्न हो गई। 18 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। सभी पार्टियों के बाइट्स हमने सुने कि कैसे सभी अपने अपने उम्मीदवारों की जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो 2 मार्च को आना है, और असलियत 2 मार्च को सामने आएगी कि आखिर जनता ने अपना आशीर्वाद किसे दिया है।
इस पर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी मौजूद है बीजेपी से, हमारे साथ सरोज सिंह है। सरोज जी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। शमशेर आलम हमारे साथ है न्यूज 11 भारत में, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कांग्रेस से। और हमारे साथ है जापा से अशोक भगत जी। अशोक जी बहुत बहुत स्वागत है। तो जाहिर तौर पर आज थोड़ी सी राहत मिली होगी, बंपर वोटिंग हुई है। और सबसे पहले अगर शुरुआत करें हम तो अशोक जी आपसे, कितने आश्वस्त आज के वोटिंग के बाद? देखिए, रामगढ़ की जागरूक जनता ने अपना फैसला किया है और हम लोग क्षेत्र में थे, पूरी तरह वहां उत्साह था चुनाव के प्रति। लोग दोनों राष्ट्रीय दलों को नकारे हैं और झारखंड पार्टी अपनी उपस्थिति बहुत मजबूती के साथ वहां लेकर आएगी। शमशेर आलम जी, आज की बंपर वोटिंग हुई है, सिटिंग सीट है आपकी। देखिए, सिटिंग सीट के अलावा जिस तरह से रामगढ़ के मतदाता मालिक ने हमारे कैंडिडेट के प्रति जो सहानुभूति दिखाई और साथ ही साथ कम समय में हमारे विधायक के द्वारा किए गए कार्यों, विकास कार्यों पर जिस तरह से मुहर लगाया है, उसी का उत्साह आपको इस चुनाव में दिखाई दिया। और हम ये कह सकते हैं कि चुनाव हम लोग निश्चित जीत रहे हैं। जो फीडबैक हमारे कार्यकर्ता दे रहे हैं, जो मतदाता मालिक वहां से जो मिल रहा है, उससे ये स्पष्ट साबित हो गया है कि आसू को पुनः वहां की सत्ता देना नहीं चाहते थे रामगढ़ की जनता। उनके दिलो दिमाग में था कि फिर वही जंगल राज की के परिधि में रामगढ़ आ जाएगा। फिर उसी तरह से जिस तरह से पहले आसू के द्वारा किए गए कार्यों से लोग नाराज होकर के हमको प्रतिनिधित्व करने का जो मौका दिया था, पुनः उस प्रतिनिधित्व को बरकरार रखने के लिए इस बार मतदाता मालिक ने हमको मत दिया है। सरोज जी, जंगल राज नहीं चाहते हैं रामगढ़ वासी, और कहना है शमशेर आलम जी का, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आसू को जाहिर तौर पर जो जनता है, रामगढ़ की जनता, वो नकार चुकी है। देखिए, पहले तो लोकतंत्र में इतनी अच्छी जो वोटिंग हुई है, इतना अच्छा मतदान हुआ है, लोगों ने निकल करके लोकतंत्र का इस पर्व में, वहाँ जो उपचुनाव हो रहे थे और उस उपचुनाव में लोकतंत्र में इतने लोगों ने वहाँ भागीदारी की, इसके लिए रामगढ़ की जनता को, क्योंकि पूरे राज्य में चुनाव नहीं था, उपचुनाव था एक ही जगह, तो रामगढ़ की जनता को बधाई भी और धन्यवाद। और रामगढ़ की जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं आज इस चैनल के माध्यम से, कि उन्होंने इतना भारी मतदान किया और एनडीए के पक्ष में किया। इस सरकार जो है, यह सरकार जो लगातार 3.5 सालों तक जनता को जो ठगने का काम किया और लूट और झूठ की जो ये सरकार थी, उसके खिलाफ में मतदान किया, सरकार ने के खिलाफ मतदान हुआ और एनडीए प्रत्याशी, आसू प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी और आसू गठबंधन के प्रत्याशी के पक्ष में मतदान किया। इसके लिए राज्य के, रामगढ़ की जनता को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद है पार्टी के तरफ से और एनडीए के तरफ से। शमशेर आलम जी, आप कह रहे हैं कि आसू को नकार चुकी है रामगढ़ की जनता, और एक नतीजा 2019 में भी देखने को मिला था और इस बार भी ऐसा ही कुछ है। सरोज जी साफ तौर पर आश्वस्त है कि सरकार को नकार चुकी है रामगढ़ की जनता, तो ऐसा है क्या कि जनता अलग से आपको खुश कर रही है, अलग से एनडीए को खुश कर रही है? आ रहा हूँ, जब जब राज्य में उपचुनाव हुए हैं हमारे गठबंधन की हुकूमत में, तो रिजल्ट के पहले सरोज जी का यही वक्तव्य आता है। तो सरोज जी क्या बोल रहे हैं उस पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम दुमका भी लड़ रहे थे तो सरोज जी का यही वक्तव्य था, मधुपुर लड़ रहे थे तो भी सरोज जी का यही वक्तव्य था, बेरमो लड़े तभी भी वही था, मांडर जैसे उपचुनाव में भी इनका वक्तव्य यही था। तो सवाल है कि वक्तव्य देने की आजादी है सबको, बोलने की आजादी है, ये बोल सकते हैं, लेकिन मैं ये साफ कह सकता हूँ कि जिस तरह से हम लोगों ने पेंशन को लेकर कार्य किया, जिस तरह से अंतिम व्यक्ति के पास माननीय मुख्यमंत्री जी यात्रा के माध्यम से पहुंच के समस्या का समाधान किए, जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जी जान से वहां मेहनत की, जिस तरह से उन्होंने
माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से 1932 और मूलवासी को लेकर के जो उनका अपना एक यात्रा था जोहार यात्रा, उसको किस तरह से लोगों ने देखा। तो सवाल है कि हम लोग काम के बदौलत गए हैं, हम लोग जनता के भावनाओं के प्रति वहां पर पहुंचे हैं। झारखंड की जनता ये जान चुकी है कि हमारे भावना की अगर रक्षा कोई कर सकता है, हमारे जज्बात का कोई कदर कर सकता है, तो वो गठबंधन की हुकूमत ही कर सकती है। और लूट और छूट की आप तो देखे ना कि पहले भी मैं कह रहा था कि किस तरह से इस सरकार को अपदस्त करने के लिए इन लोगों ने तरह तरह का हथकंडा अपनाया। नतीजा क्या निकला? हमारे माननीय मुख्यमंत्री आज भी खड़े हैं, आज भी उन तमाम फासिस्टवादियों से लड़ रहे हैं, पूरे केंद्र सरकार से लड़ रहे हैं, सीबीआई ईडी से लेकर के सब से लड़ रहे हैं। तो सवाल है कि जिसके अंदर जनता का समर्थन है, जिसको जो जनता के जज्बातों का कदर कर रहा है, वो लड़ाई तो ये तो नहीं है कि वो छिप जा रहे हैं, भाग जा रहे हैं, आपका सामना कर रहे हैं। चूंकि आप साजिश रच रहे हो और उस सारे साजिश को भेद करके हमारा अर्जुन निकल जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जनता के ताकत के बदौलत निकल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो बार बार कह रहे हैं कि हमारे आपने देखा कि नियोजन नीति को किस तरह से इन्होंने तबाह किया, किस तरह से स्थानीय नीति पर इन लोग ये कर रहे हैं। जब सरना कोट पेशा की बात आती है, ये लोग पीछे घूमने लगते हैं, अगल बगल झांकने लगते हैं। लोगों को रोजगार देने की बात आती है तो किस तरह से ये लोग कभी राजभवन के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से, कभी न्यायालय के माध्यम से हम लोगों को डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है कि हमारा सही में ही ऐसी कोई है तो वो हेमंत सोरेन है, गठबंधन की सरकार है। और जिस तरह से विधायक दल के नेता हमारे आलमगीर आलम साहब, जिस तरह से राजेश ठाकुर प्रदेश अध्यक्ष, पूरा कांग्रेस का कुंबा, और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, मैं दिन में भी इस बात को कहा है कि इनके समय में जो कार्यकाल हुए हैं, मैं उदाहरण दिया था कि चारी एक गांव है जहां ये पेयजल मंत्री थे और वहां पर इन्होंने बना दिया था ये क्या बोलते हैं पानी टंकी जल मीनार 6 करोड़ से, आज तक उसमें पानी नहीं पहुंचा। लेकिन न ये कभी किसी सरकारी स्कूल का चार दीवारी मसना को घेरना था, ये नहीं किए। लेकिन हमारी ममता देवी हमारी जो विधायिका थी, कम समय में जिस तरह से छोटे छोटे जन मुद्दों पर काम की है, निश्चित तौर पर लोगों का प्यार उमड़ा है। और ये भी ये बात सही है कि ममता देवी के साथ जो हुआ उसकी सहानुभूति भी हम लोगों के को जनता हम लोगों के प्रति दिखाई है। इसके लिए हम रामगढ़ की जनता को धन्यवाद देते हैं। और कहने की आजादी है, लोग कहें कोई ये हमारे अशोक भाई भी दावा कर रहे हैं, हमारे सरोज भाई भी दावा कर रहे हैं, हम दावा नहीं कर रहे हैं, हमने किया है और लिया है, उस पर हम बोल रहे हैं जी। चलिए, तो कहीं ना कहीं आप सिंपैथी वोट की बात कर रहे हैं, कहीं हो सकता है कि सिंपैथी वोट गेन कर ले। अगर आजसू और बीजेपी की बात करें तो इनका कहना है कि पहले हमारा गठबंधन नहीं था 2019 में, अगर होता तो उस वक्त भी जीत आजसू की होती, और इस बार दोनों का गठबंधन है तो जीत हमारी होगी। इधर झापा भी पूरी तरीके से तैयार है। अशोक जी, एनडीए और यूपीए दोनों अपने अपने दावेदार को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहा है, आपके सामने ये सारी बातें हो रही हैं। उस बीच अगर झापा की बात करें, आप ऐसे ऐसा कौन सा मुद्दा है जो जनता के पास लेकर गए थे और आप ऐसे इतने आश्वस्त कैसे हैं कि जनता इन दोनों को नकारकर झापा के उम्मीदवार को चुनेगी? देखिए, रामगढ़ की जनता जागरूक है, तीनों उम्मीदवार में जनता ने तुलना किया है, इसका दोष उसका दोष लगाने से बेहतर है, तीनों उम्मीदवार को अगर आप सामने खड़ा कर दिए हैं तो जनता तय की है कि कौन उसमें सक्षम है, किनके पास भाषा है, कौन जनता की समस्याओं को रख सकता है। बजरंग महतो को आप जानते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, उनका योग्यता है कि वो ममता देवी के पति हैं। उसी तरह आजसू की उम्मीदवार सुनीता चौधरी जी हैं, उनकी योग्यता है कि वो चंद्रप्रकाश चौधरी की पत्नी हैं, और उसके अतिरिक्त उनके पास अपनी योग्यता क्या है जनता के हित में। इसलिए मैं कहना चाह रहा था कि जैसे कि शमशेर भाई ने कहा, हमारे बड़े भाई हैं, जंगल राज की बात है, आज 15 दिनों के अंदर रामगढ़ जिला में 3 हत्याएं होती हैं। आजसू के कार्यकर्ता की हत्या होती है, जेएमएम के कार्यकर्ता के गाड़ी में छलनी कर दिया जाता है गोली मारकर, उसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ता उसके अपने विधायक प्रतिनिधि की हत्या होती है और एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं होता है। कैसा है जंगल राज?
भाजपा वाले जंगल राज की बात कर रहे हैं या कांग्रेस वाले जंगल राज की बात कर रहे हैं। इसलिए वहां की जनता सब चीज को देख रही है, सब चीज को समझ रही है। आप कहते हैं बहुत काम की है 3.5 वर्षों में, मैंने एक एक गली में घूमने का काम किया है इस चुनाव में रामगढ़ में। वहां पर आप देखिए रामगढ़ शहर में एक भी ऐसा बस्ती नहीं है, छोटा बस्ती जहां गरीब लोग जीते हैं, पीने का पानी नहीं है। ड्राइवर जी एकदम स्पष्ट आपको हम बताना चाहते हैं, गोलपार जैसा जगह है, रेलवे लाइन के बगल में जगह है, उन बस्तियों में पीने का बिल्कुल पानी नहीं है, लोग 2 किलोमीटर से पानी लाकर पी रहे हैं। तो ये सारी चीजें अभी भी वहां है। तो और बुनियादी सुविधाएं और भी एक महत्वपूर्ण विषय है, ममता जी 3.5 वर्षों में ऐसा कौन सा काम की थी कि उनका खुद का शपथ 7.5 लाख रुपए का था और आज उनके पति का शपथ में उनकी संपत्ति 96 एकड़ जमीन और 52 लाख रुपया बैंक में खाता है। ये सारी चीजें क्षेत्र में फैली हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी नीत गठबंधन की सरकार को भी लोगों ने रिजेक्ट किया है, कांग्रेस के उम्मीदवार को भी रिजेक्ट किया है। निश्चित तौर पर संतोष महतो जैसा एक योग्य युवा जो 10 वर्षों से क्षेत्र में संघर्ष किया है, जनता ने उसको चुना है। तो चलिए तब आप तीनों अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त है, लेकिन जनता का साफ तौर पर यही मकसद होता है कि उनके क्षेत्र में विकास हो और जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो मयसर हो। जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं कि पानी नहीं है, सड़क नहीं है, जाहिर तौर पर पहले ऐसी बुनियादी चीजें, हमें बड़ा शर्म आती है इस बात पर कि हम आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। हमारे गांव में ऐसे ऐसे जगह है जहां पर चूहा से लोग पानी पीते हैं, तो इस तरफ ध्यान किसी का भी नहीं है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें चाहे हम बीजेपी की बात करें। तो आखिर जनप्रतिनिधि का मतलब होता है कि वो अपने गांव के अपने स्थानीय लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो कम से कम मुहैया कराए। शमशेर आलम जी, अशोक भगत जी ने साफ तौर पर कहा कि जब वो गांव क्षेत्र में गए, पानी नहीं था, सड़क नहीं था, लगातार हत्याएं हो रही, तो विधि व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखिए, जब से झारखंड राज्य अलग हुआ, एनडीए के साथी है आजसू, और लगातार 2000 से लेकर के 19 तक जिसका प्रतिनिधित्व आजसू किया हो और लगातार राज्य में मंत्री भी रहे, तो अशोक भाई को पहले उनसे सवाल करना चाहिए। नहीं, निश्चित रूप से के सवाल दोनों के, जो आदमी लगातार रहा, हम तो पिछली बार चुनाव जीते, 2 साल कोरोना काल में चला गया, 1 साल के बाद उनको सजा हो गई, तो 1 से 1.5 साल की कार्यों की अगर तुलना कीजिएगा तो उसमें एक महिला और विशेष करके जो विधायिका, सिर्फ मंत्री भी नहीं, तो अपने हिसाब से अपने औकात से अन्य दूसरे विधायकों की तुलना में उसने बहुत काम किया। सवाल ये उठता है कि आज जो रामगढ़ की दशा और दुर्दशा के लिए कोई जिम्मेवार है तो वो है आसू पार्टी, एनडीए घटक दल, जिसने इतने दिनों तक हुकूमत करने के बाद आज जो पानी का मंत्री रहा हो और आज ये बता रहे हैं कि वहां पानी नहीं पहुंचा, इसके लिए हम दोषी नहीं है, हम जिम्मेवार नहीं है। लेकिन मैं आपको अभी भी कह रहा हूं कि ममता देवी जी जेल जाने के पूर्व मैंने देखा था कि उसने जो रोड मैप तैयार किया था पानी को लेकर के, और जिस तरह से मिथिलेश ठाकुर जी से उन्होंने मुलाकात करके और रामगढ़ के इस समस्या का निदान हेतु कार्रवाई करने की बात की थी, और हमारे माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द इस पर कार्रवाई होगी, आप देखेंगे रिजल्ट जो भी हो, रिजल्ट जो भी हो, लेकिन हम तो जानते हैं कि रिजल्ट क्या होगा, क्योंकि हम लोग ने काम किया, इसलिए काम के प्रति, लोगों के प्रति हम लोगों को है कि रिजल्ट हमारे पक्ष में होगा। लेकिन हर परिस्थिति में वहां पानी का मिथिलेश ठाकुर ने जो वादा किया है कि हम पानी पहुंचाएंगे, तो आप देखेंगे बहुत जल्द पानी पहुंचेगा। जो पूर्व में पानी मंत्री नहीं कर सके वो हमारा गठबंधन का पानी मंत्री करके बता देगा। सरोज जी, साफ तौर पर आजसू पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आजसू ने क्या किया, पीने का पानी तक नहीं है, सड़क नहीं है, और अब बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। देखिए, इतना देर से शमशेर भाई का सुन रहे थे हम, अब आप दावा भी कर रहे हैं। अरे आप दावा क्यों कर रहे हैं शमशेर भाई, अब तो जनता ने मत दे करके बंद कर दिया, जनता को बधाई दे दी, अच्छी बात है। अब दिक्कत क्या है ना, एक दिन आपके यहाँ डिबेट था और डिबेट था कि सरकार
जो है मंडी पर 2% टैक्स लगा दी। अब उस पर जवाब देने के लिए मैं आपके चैनल में आया था, कोई कांग्रेस के नेता नहीं थे। और ये लोग जो है ना, देखिएगा 2 तारीख को मैं गवाह हूँ, 4 उपचुनाव हुआ, 4 उपचुनाव में परिणाम भाजपा के पक्ष में नहीं आया, लेकिन जितने डिबेट थे मैं सुबह से शाम तक बैठा था, रात में भी डिबेट में बैठा रहा और डिबेट में बताया कि ये सब सीटें जो हैं ये भाजपा के लिए कितनी दुर्लभ सीटें थी। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कहां 60,000-50,000 वोट लाता था, 1,05,000 वोट बढ़ा के ले गया, 5,000 से आ रहा। वो सीटों पर ट्रेगुलर फाइट में भी हम नहीं रहते थे, उन सब सीटों पे वहां हम सीधा फाइट में 10,000-5,000 से हार रहे हैं। तो कितनी ताकत बढ़ी है, कितना लोगों ने वोट दिया है, और ये डिबेट में हम बता रहे थे उस समय। लेकिन आपको मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, और आप भी यहीं पर हैं, और ये शमशेर भाई का आज ही बुक कर लीजिए, ये शाम को 10 बजे के बाद ये कोई नजर नहीं आएंगे उस दिन 2 तारीख को, ये भी नहीं रहेंगे। और नहीं तो, और जो मेरा ये बाइट है इसको स्टोर करके रखिए, और शाम को देखिएगा ये लोग कोई नहीं रहेंगे, और ये फिर उस दिन चलाइएगा 2 तारीख को। देखिए क्या हाल करते हैं, देखिए दो कोई नहीं रहेगा। मैंने कहा नहीं कि सरोज जी का सही वक्तव्य है, आप बड़े बड़े ही बोले कि कल नहीं रहेगा, नहीं रहिएगा क्या है ना, लेकिन ये अपने गायब हो जाते हैं। देखिए क्या है ना कि वक्तव्य देने के लिए हम रहते हैं ना, वही आपने ही कहा कि ये बड़े लंबे रहे थे। नहीं, शमशेर भाई आप इतना देर लगातार बोल रहे थे, बोल रहे थे, बोलिए आप फिर टोकते, दिक्कत क्या, भावनाओं को बोलिए। नहीं नहीं, आप भावनाओं की बात नहीं है, आप खुद कहा कि हम, हमारा वक्तव्य यही होता था, इसलिए हम रहते थे चैनल में। हम तो कह रहे हैं आप लोग कोई नहीं रहिएगा 2 तारीख को 10 बजे के बाद, तो 2 तारीख को उम्मीद है कि आप सभी भी यहाँ पे रहेंगे जी। पानी की बात कर रहे थे, 70 साल इनका शासन रहा देश में, और नल का जल जो है मोदी जी नल का जल 70 साल के बाद। सरोज जी यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा इस मुद्दे पर। सुसे हमारे साथ है हसन अंसारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। चलिए तो अब सरोज जी के सपोर्ट में आपके गठबंधन से भी आ गए हैं, और हसन अंसारी जी क्या कहेंगे आज की बंपर वोटिंग, और आजसू इस बंपर वोटिंग को लेकर के कितना आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर? देखिए हम लोग तो बहुत पहले से आश्वस्त रहे हैं, आज की जो वोटिंग हुई है उस पर हम ये कहना चाहेंगे कि रामगढ़ की जनता ने इस बार हमारे ही रिकॉर्ड को तोड़ने का काम किया है। हमारा रिकॉर्ड राजचंद्र प्रकाश चौधरी ने 30,500 वोटों से जीता था, हम निश्चित तौर पर मान के चल रहे हैं कि हम 40+ से ही जीतेंगे, 40,000 से जीतेंगे हम। और उसी की तैयारी हमने बहुत पहले से किया था, हम जनता के अंतिम पायदान तक पहुंचे हुए थे, जनता ने हमको भरपूर सहयोग दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि अब 2 तारीख को जो ना सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है, सर्टिफिकेट लेना बाकी रह गया है, हम निश्चित तौर पर जीत रहे हैं। चलिए तो सर्टिफिकेट अब बाकी है, बस वो औपचारिकता है, वो आपके पक्ष में वोटिंग है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है। सरोज जी, जी अशोक भगत जी सुन रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह सुन रहे हैं। हसन हमारे आंदोलनकारी साथी रहे हैं हमेशा से। हसन जी आपका आश्वस्त होना मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन आप बताएं आप आश्वस्त अपने कामों से हैं कि आपके जो मुखिया जनप्रतिनिधि एक पकड़े गए हैं उन कामों से हैं? गंभीरता से आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा जनता को कि आप वोट किस तरह से जीत रहे हैं। निश्चित तौर पर देखिए भगत जी, हम अपने काम के प्रति आश्वस्त है। हमने पिछले जो चंद्रप्रकाश चौधरी लगातार 3 टर्म तक वहां पर विधायक रहे हैं, वहां से मंत्री भी रहे हैं, विधायक बने हैं तो फिर राज्य सरकार में मंत्री भी रहे हैं। हमने रामगढ़ में डेवलपमेंट की बहार बहाई है, आज रामगढ़ का एक ऐसा गांव नहीं मिलेगा आपको, अपवाद है पूरे झारखंड स्टेट में कि रामगढ़ विधानसभा का एक गांव नहीं जहां पर जो इलेक्ट्रीफाइड नहीं है। पेयजल की व्यवस्था हमने सब जगह पर पूरा पूरा किया है, सड़कों का जाल बिछाया है, हमने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, हमने महिला इंजीनियरिंग कॉलेज खोला है, हमने पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला है, हम जो है ना अल्पसंख्यक के जो स्कूल थे, जो मिडिल स्कूल थे, हमने उसको अपग्रेड करके हाई स्कूल बनाया है। हम हर परिस्थिति में वहां पर जनता के बीच गए हैं, जनता के बीच में लोकप्रिय रहे हैं, और अपने विकास के नाम पर, अपने कामों के बुनियाद पर हम जीत के प्रति आश्वस्त हैं। हसन जी, अब अगर इतने आश्वस्त थे और इतना कुछ आप लोगों ने किया था, तो फिर 2019 में आजसू क्यों पिछड़ गया था?
देखिए कभी कभी जनता जो है ना, जनता लोकतंत्र में जनता बहुत मायने रखती है, जनता के का मूड को भाप पाना बहुत मुश्किल हो सकता है कि जनता के मन में ये रहा हो, कभी ऐसा भी हो सकता है। मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ कि जनता सोचती है कि ये बेहतर है लेकिन लोग और कुछ बेहतर की तलाश में आता है, हो सकता है सुमित में रहा होगा कि हम देख लेते हैं एक बार, इसको भी देख लेते हैं, तीन टर्म तो इसको देख लिए, ऐसा भी होता है। जनता जो है लगातार 15 वर्षों तक जब काम करने के बाद में एक नेता को देखा सोचा दूसरा नेता देख लेते हैं, तो हो सकता है उस मामले पर जो है जनता ने चुना हो ममता देवी को। और लोकतंत्र में जनमत सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, जनमत जिसके साथ है वही नेता है, तो जिस उम्मीद के साथ है जामनगर की जनता ने कांग्रेस प्रत्याशी को जीत दिलाई थी, वो अपने उस उम्मीद पर जनता की उम्मीद पर खरा नहीं उतरी। नतीजा हुआ यह कि इस उपचुनाव में जनता ने पुनः जो है ना अपने उस एक्सपेरिमेंट को रोकते हुए सीधे सीधे जो आंसू पर विश्वास किया है, एनडीए पर विश्वास किया है। आंसू की सिर्फ बात नहीं है, वहां पर एनडीए पर विश्वास किया है और प्रचुर मात्रा में हमें वोट दिया है। ये लाइन भी बता रहा था, आपने दिन में देखा होगा वोट का ट्रेंड किस तरह का था। और हम ये कहना चाहेंगे कि जिस मत पर इनको बहुत ज्यादा नाज था, नाज क्या था, ये लोग बहुत ज्यादा जो है ना अल्पसंख्यक मतों की बात कर रहे थे ना, उसी पर इन लोग एसी रूम में दिल्ली में बैठ के काउंट कर देते हैं कि वहां इतना अल्पसंख्यक मुस्लिम है, वो तो मेरे बबोती चीज, मेरे पॉकेट की चीज है। लेकिन मुस्लिम समाज ने भी इस बार करारा जवाब देने का काम किया है, उसकी बड़ी संख्या एनडीए के पक्ष में आई है। और उनके अंदर दूसरी चीज है कि उनके अंदर उत्साह भी नहीं थी। आपको मैं एग्जाम्पल दे दूं, चित्रपुर 4-8 बूथ जहां पर 100% मुस्लिम पॉपुलेशन है, उनका पता कर लीजिए रेशियो क्या है, 40%, 47%, 43%, 48%, 52% मैक्सिमम पोलिंग जो हुआ है। इसी से पता चलता है कि जनता का रुझान किस ओर रहा है। उसमें भी अधिकतम लोगों ने हमें मत दिया है, एनडीए को मत दिया है, तो हम इसके प्रति आश्वस्त थे इसी मामले को लेकर के। शमशेर आलम जी, अब जनता एक्सपेरिमेंट चाह रही थी, सोच रही थी कि शायद एक बार देख लेते हैं कि दूसरे पार्टी से जो उम्मीदवार है, और यही सोचकर ममता देवी को उन्होंने चुना था, और वो शायद जैसा कि हसन अंसारी जी ने कहा कि वो फुलफिल नहीं कर पाई, और एक बार फिर से उनका मन बदल गया है जनता का और पक्ष आ चुके तरफ ही आएगा। देखिए ममता देवी जी को 1.5 साल मौका मिला और वहाँ की जनता भी वक्त होता है, अगर आप कोरोना बीच में आप बात मैं बता रहा हूँ वही ना, 2 साल कोरोना और 1 से 1.25 साल तक काम करने का मौका दिया। उसके बाद ममता देवी की क्या क्या हुआ उसके साथ, वो भी आप लोग जानते ही हैं। जनता ये भी तो देख रही है स्टूडियो कि लगातार 19 साल तक हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति किस तरह से रामगढ़ को लूटने का काम किया, किस तरह से रामगढ़ में आज जो जनता है, रामगढ़ के शहर की जनता ये बोलती है कि पहले जो आंसू का जो चेहरा होता था, आंसू के कार्यकर्ता किस तरह से रामगढ़ के व्यापारियों के साथ, व्यवसायियों के साथ, लोगों के साथ, खास करके एनडीए के साथ रह करके अल्पसंख्यक लोगों के साथ जो इन्हों का बर्ताव रहा है, वो जनता भूली नहीं है। हसन अंसारी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, हसन अंसारी जी कंप्लीट कर लेते पहले। वही बोल रहा हूँ कि जनता उस चीज को भूली नहीं है। वहाँ आंसू का मतलब होता है, मैं पहले आते आते बोला कि लोगों ने जंगल राज को, रामगढ़ के जंगल राज को खत्म करने के लिए ममता देवी को लाया था। और आज आप देखेंगे कि लोग को जब ये याद आता है राम आंसू का जो 19 वर्ष का जो शासन, तो जनता सहम जाती है और इसी सहमने के कारण जनता हमारे प्रति सहानुभूति दिखा रही है। ये बोल रहे हैं कि परसेंटेज हुआ, गोला में हम पिछला बार 22,000 से 23,000 से लीड किए थे, आज आप देखेंगे कि उसी गोला में किस तरह से लोग बढ़ चढ़ करके वोट दे रहे हैं, दिल्ली में किस तरह से बढ़ चढ़ करके लोग दे रहे हैं। तो इन लोगों का एनडीए को एक प्रैक्टिस में, एनडीए को ये सिखाया जाता है। अब हसन साहब बोल रहे हैं कि अल्पसंख्यक 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 में हमारे मत है, अरे ये तो सब जानता है कि अल्पसंख्यक आपको मत थोड़ा मोड़ा पहले मिल जाता था, या थोड़ा मोड़ा लोग दे भी देते अगर आप सरोज भाई के साथ नहीं होते, यानी भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं होते। इसलिए अगर आप ये सोच रहे हैं कि अल्पसंख्यक आपको मत दिया है, तो आप खुशफहमी में रहिए, हम उसमें मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखिए, हम उस पर तो कोई इतराज नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कर सकता हूँ कि जिस तरह से वहाँ की गरीब जनता, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर वहाँ के लोगों ने, दबे कुचले लोगों ने जो हमारे साथ दिया है, ममता देवी और बजरंग महतो के प्रति जो
उनके लोग, उनके स्वजातीय जिस तरह से सहानुभूति दिखाए हैं, निश्चित तौर पर हमारा जीत सुनिश्चित है। ये लोगों का काम है बोलना, बोलते रहे, हम आश्वस्त हैं कि हम चुनाव जीतेंगे। चलिए हसन अंसारी जी, जैसा कि आपने कहा कि एक एक्सपेरिमेंट चाहती है जनता, कि एक बार मैंने इस प्रत्याशी को जिताया, इन्होंने कुछ नहीं किया, दूसरे प्रत्याशी को जिताया, अब देखते वो क्या करेगा। तो हो सकता है इस बार भी एक्सपेरिमेंट करे और झापा भी तैयार है अपने दावेदार के साथ। देखिए झारखंड पार्टी का इस राज्य के एक सबसे पहले जो आंदोलनकारी पार्टी रही झारखंड पार्टी, मैं इसको अप्रिशिएट करता हूँ, लेकिन अभी वर्तमान में उन सब क्षेत्रों में इनका जनाधार बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। इन्होंने एंट्री मारा है, निश्चित तौर पर एंट्री मारा है, समझे ना। आने वाला समय में इसको लाभ हो सकता है उन सब चीज क्षेत्रों में, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन इसको बेसिकली आप पास्ट इलेक्शन को देखिएगा तो इनका कॉन्सेंट्रेशन बेसिकली खूंटी जोन में, सिमडेगा जोन में, पश्चिम सिंहभूम जोन में रहा है, है ना। अभी एक पार्टी यहाँ पर भी एक जनाधार वाली पार्टी रही है समय पर कालांतर में, लेकिन वर्तमान में वो भी अपनी उपस्थिति वहां पर दर्ज कराने के लिए कैंडिडेट खड़ा हुआ है, तो निश्चित तौर पर जब चुनाव में उतरते हैं लोग तो वोट उनको ही मिलता है, इनको ही वोट मिला होगा, ऐसा थोड़ी है क्या नहीं मिला होगा वोट। लेकिन अभी वोट आपको भी मिली होगी, कहना है हसन अंसारी जी का, और आपकी दावेदारी भी पूरी तरीके से मजबूत नजर आ रही है, तो आपको ऐसा लगता है कि एक बार फिर से जनता एक्सपेरिमेंट करना चाहेगी? देखिए लोग ऐसा कहते रहते हैं, हसन भाई पुराने अनुभवी आदमी हैं, आप जानते हैं तमाड़ चुनाव आपको याद होगा, अभी हमारा जो उम्मीदवार है रामगढ़ में उसके सामने ये दोनों उम्मीदवार कहीं टिकते ही नहीं है, इस पर मैंने पहले भी कह चुका है। वो डबल एमए है, वहां 10 वर्षों से लगातार संघर्ष किया है रोजगार को लेकर, युवाओं के समस्याओं को लेकर, भाषा संस्कृति को लेकर, जय झारखंड अभियान के तहत उन्होंने संघर्ष किया है, तो निश्चित तौर पर वहां के युवाओं में, वहां के महिलाओं में, वहां मजदूरों में उसकी भावना है, सारे लोग उसको पसंद करते हैं। बाकी दोनों उम्मीदवार तो जबरदस्ती थोपे गए उम्मीदवार हैं, अपना खुद का वजूद नहीं है, कांग्रेस पार्टी की अपनी भूमिका है, आजसू पार्टी की वहां एक बहुत सीनियर लीडर है वहां, निश्चित तौर पर वो भी आंदोलनकारी रहे हैं, लेकिन उनकी पत्नी आंदोलनकारी नहीं रही है, उस क्षेत्र में काम उन्होंने नहीं किया है, वहां काम किए हैं चंद्रप्रकाश चौधरी जी, इसलिए उनको लोग पसंद करते थे। उसी तरह ममता देवी आंदोलनरत महिला थी, उनको लोग पसंद किए, लेकिन आज उनके पति को क्यों पसंद करेंगे बताइए। फिर भी 2 साल में वो काम नहीं कर पाई, कोरोना था कह रहे हैं, तो उनके व्यक्तिगत संपत्ति में इतना इजाफा कैसे हो गया? अगर कोई काम ही नहीं हुआ तो उनका एफिडेविट इतना बेहतर इजाफा कैसे दिखा रहा है? ये मूल बिंदु है। हम कहना चाह रहे थे, हसन भाई ने कहा कि वहां बहुत विकास हुआ है, निश्चित तौर पर जब मंत्री जी रहे होंगे तो निश्चित विकास हुआ है, लेकिन आज विकास नहीं दिखता है। आप पानी का पेयजल का बात कर रहे थे, आपने एक एक गली में घूमने का काम किया होगा, शहरी क्षेत्र रामगढ़ का शहरी क्षेत्र आप घूमे होंगे, आपको पता है पानी कहाँ है, रोड कहाँ है, कुछ भी नहीं दिखता है। आज भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है, उनके खुद के विधायक, कांग्रेस पार्टी के विधायक और उनके पिताजी का बयान, पूर्व मंत्री का बयान आप देखे होंगे, क्या चल रहा है इस राज्य में, किस तरह इस राज्य में लूट खसोट की संस्कृति बनी हुई है, ये सारे चीजों को वहां की जनता ने देखा परखा है, इसके आधार पर वहां फैसला हुआ है। चलिए, तो आपका आधार है कि आपके जो कैंडिडेट है वो वेल एजुकेटेड है, 10 सालों से वहां पे काम कर रहे हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि सिंपैथी वोट, विपक्ष पार्टी का कहना है कि सिंपैथी वोट गेन करने की बात कर रहे हैं। आजू की बात करें तो आजू को मजबूती मिली है बीजेपी से, तो पिछली बार अगर 2019 की बात करें, अलग अलग लड़े थे, वोटिंग अगर काउंट होती दोनों की, उस समय गठबंधन होती तो जीत भी आजू की होती, तो इन तीनों को अगर आधार बनाया जाए तो नतीजा साफ तौर पर अब कैद हो चुका है, बस 2 मार्च का इंतजार है। हसन अंसारी जी, देखिए अब ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में किया गया है वहां पर एजुकेशन कोई मायने नहीं रखता, ये पैमाना नहीं है। जनता जिनके साथ में है लीडर वही है, महेंद्र सिंह टिके तीसरा क्लास पास थे ना, देश में एक बड़े किसान नेता के रूप में उभर के सामने आए, तो एजुकेशन कोई फैक्टर नहीं है, फैक्टर है कि आप जनसेवा के लिए कितना समर्पित हैं। और इन्हें अशोक भगत जी ने कहा कि ये उनका कोई आधार नहीं है, इनको जानकारी होनी चाहिए कि 2019 के चुनाव में जब मैं अकेले चुनाव लड़ा था, यही सुनीता चौधरी 77,000 वोट के लेकर के आई थी, 77,000 जनता जिनके साथ हो उनको कहते हैं कि उनका आधार नहीं है, ये तो अजीब सी बात है, हास्यास्पद बात है। वो शिक्षिका रही है, वेल एजुकेटेड भी है, एजुकेशन की बात करते उनको पता होना चाहिए, शी इज ए टीचर, वो इससे पहले टीचर थी, है ना, तो एजुकेटेड लेडी है, विकास का काम किया है,
और इसके हिसाब से अब राजसभा इन्होंने एक सवाल उठाया पेयजल का, हमने पेयजल का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विधानसभा में खड़ा कर दिया साहब, लेकिन इन साढ़े तीन वर्षों में यूपीए गठबंधन के लोगों ने सारे सिस्टम को कोलैप्स कर दिया, काम नहीं होने दिया गया, जो खराब पड़ा हुआ है खराब पड़ा हुआ है, ये सब गलतियां ये साढ़े तीन सालों में हुई, नतीजा है कि वहाँ की आम जनता इसको भोग रही है, उनको समझ में आ रहा है। आलम जी ने आरोप लगाया कि जल मीनार बना हुआ पर आज तक भाई 19 साल विकास के लिए 19 साल ये काम किया, एक दिन काफी है विकास के लिए, 19 साल ये काम किया। अरे छोड़िए विकास की क्या बात करेगा, माननीय मुख्यमंत्री का गांव निमरा है, तीन तीन मुख्यमंत्री बने, गुरुजी भी मुख्यमंत्री बने, हेमंत साहब भी दो बार मुख्यमंत्री, ये अपने गाँव जो इनका पैतृक गाँव है जो जन्म स्थली है उसको विकसित नहीं कर पाया साहब, उसको उसको भी विकास के धारा पर लाया तो चंद्रकांत चौधरी नहीं लाया, ये सिर्फ सिंपैथी की वोट मांगते, सिंपैथी किस बात की, शहीद हुए कोई और है ना, माल महाराज का मिर्जा खेले शहीद हुए कोई और, राम लखन मातो शहीद हुए परिवार को मैंने पूछा है क्या साल में एक बार साड़ी देने जाते हैं, 100 रुपया का साड़ी देते हैं, बस वही काफी है, उनके बच्चे खा रहे हैं पी रहे हैं पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, परिवार क्या हो रहा है उनकी पता नहीं, ये सिर्फ मुख्यमंत्री के गोदी में बच्चा दे देते हैं ताकि दिखा दो कि देखो ये बच्चा है ना, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट डायरेक्शन है, गाइडलाइन है कि जो महिला अगर कोई दोषी होती है जेल की सजा होती है और उसके साथ में उसका दूध मुहा बच्चा है तो 6 साल जब तक वो 6 वर्ष की उम्र को पूरा ना कर ले तब तक अपने माँ के साथ रह सकती है, साहब ये लोग तो मजाक कर रहे हैं, ये तो कसाई बन गया है, उस बच्चे को जो ना उसकी माँ से दूध नहीं पीने दे रहा है, ये लोग सिर्फ उसको सिंपैथी, पिछला चुनाव भी ममता देवी जी ना बच्चे को लेकर ही उतरी थी, उस बच्चे को ही बुलाई थी, तो लोग लगातार एक ही प्रक्रिया को लगातार व्युत्क्रमार्थ रेसिप्रोकल सिस्टम में उसको दोहरा रहे हैं लोग, यही तो है इनका। देखिए ये जो बखुलाहट है हसन साहब, बखुलाहट की बात नहीं है, मैं शालीन के व्यवसायियों से पूछिए, देखिए साहब रामगढ़ में किए गए विकास कार्यों के घपला घोटाला के बारे में पूछा, वही बोलते हैं घपला घोटाला की बात करते हैं, योजना ले जा करके जिस राज्य का लूटते थे ये लोग, जिस राज्य का मुख्यमंत्री लूटे इनसे पूछिए। अच्छा ये बताइए आज हमसे हिसाब पूछ रहे हैं, शमशेर जी के भी एक साल में कहां से कहां चली गई, शमशेर जी हमने हिसाब देने की, शमशेर जी ये बताइए ना कहां थे, ये बताइए ना, हम तो सप्ताह में बहुत दिनों तक रह क्या मेरे मंत्रियों पर मेरे नेताओं पर भी कोई घोटाला का आरोप लगा क्या, लेकिन आप लोग देखिए ना मुख्यमंत्री रहे 80-20 मिल जमीन लीज कराते हैं माइनिंग के लिए, पंकज मिश्रा आपके विधायक प्रतिनिधि और कौन विधायक जो वर्तमान में सीएम है उनके प्रतिनिधि वो अवैध वसूली में शामिल है, और कौन यादव रोज वसूली में शामिल है, उनके सचिव जो है ना पूजा सिंघल वो अभी कहां थी, अभी बेल में निकली है, आप उसके बाद अभी तुरंत देखिए ना वीरेंद्र राम को कहां है वो आपके इंजीनियर पूजा सिंघल है या वीरेंद्र राम, चीजों को पैदा किसने किया, देखिए भ्रष्टाचार पैदाइशी आपके यहाँ हुई है, हमने और आज जिस घपले घोटाले की बात हो रही है वीरेंद्र राम की, वो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये 19 का मामला है, 19 का में किसकी सरकार थी, स्वर्णरेखा की बात हो रही है, कौन थे माननीय मंत्री, या तो सुदेश महतो थे या चंद्र प्रकाश चौधरी थे, तो सवाल है कार्रवाई नहीं की, सवाल है कि सरकार ने कार्रवाई ना की, मैं बता रहा हूँ आप बोलिएगा, सारे चीजों के बावजूद भी नहीं चाहते, हम जिस मुद्दे को लेकर आज डिस्कशन में बैठे हैं हम उस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, हसन भाई जो बोले तब मैं उस पर बोल रहा हूं, हम उस मुद्दे पर जाना होगा उस पर जाना जाती है उसको, लेकिन जिस तरीके से अगर हम बुनियादी सुविधाओं को भी अगर देखें, अशोक भगत जी ने भी कहा कि जिस तरीके से वहां के लोग रहते हैं ये बड़े अफसोस की बात है, और वाकई अफसोस की बात है कि अगर इतने साल तक राज चाहे वो किसी भी पार्टी के भी प्रतिनिधि हो, किसी की भी पार्टी की सरकार हो, अगर बुनियादी सुविधा मयसर नहीं है तो आखिर किस पैमाने पर वोटिंग करेगी जनता, जनता को बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता है। सरोज जी क्या कहेंगे, अभी हम जैसे बात कर रहे थे ब्रेक से पहले भी कि 70 साल, हमेशा हम 70 साल की बात करते हैं, लेकिन क्या आने वाले वक्त में भी 70 साल तक हम नहीं होना रहते रहेंगे, जायज का बात कीजिएगा तो 70 साल पर चले जाते हैं, देखिए ट्रेनिंग कराया जाता है लोग को,
देखिए बहुत सारे लोग इस तरह से चैनल देखिए सरोज जी को बोलने एक मिनट भाई लगातार चुपचाप बैठा हूँ। रामगढ़ 70 साल पे चले गए सबसे पंचायत की बात होगी बात होगी तो ये 70 साल पे चले जाए। बोले सर चुप रहिए ना सरोज जी बोले चुप रहिए शमशेर भाई चुप रहिए मैं बैठा हूँ लगातार 40 मिनट से हो गया है आप लगातार बोले जा रहे हैं जरा सुनिए ना पहले मुद्दे पे आ जाते हैं सुनिए ना पूरी बात तो सुनते नहीं है लगातार नॉन स्टॉप आप लोग बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं तो सुन तो लीजिए ना मैं कहा आप पानी की बात किए मैं क्या कह रहा हूँ उसको सुनिए ना जनता को भी सुनने दीजिए। आपने कहा कि पानी का समस्या है पानी का अरे हमने ये कहा कि 70 साल केंद्र में मोदी इनकी सरकार रही है कांग्रेस की लेकिन नल का जल योजना लेके कौन आया तो मोदी जी लेकर के आए और नल का जल घर घर में नल का जल काम हो रहा है और इनके ये लोग क्या कर रहे हैं उसमें भी ये सरकार अड़ंगा डाल रही है और घपला घोटाला कर रही है और सवाल है बार बार ये बोल रहे हैं ममता देवी 2 साल कोरोना मिल गया 2 साल अरे वहां वोट मिल रहा था ममता देवी के नाम पर आप सरकार का वाहवाही कर रहे हैं आप ममता देवी का नाम ले रहे हैं तो जीतिएगा तो हेमंत सोरेन जी के नाम से ममता देवी अरे आप क्या कर रहे हैं और बार बार कर रहे 20 साल शासन 23 साल 20 साल 22-23 साल हो गए अलग राज बने तो 22-23 साल में लगभग 10 साल आप लोग भी शासन में रहे हैं ये जनता को भरम में मत रखिए लगभग फिर बीच में अच्छा बीच में मत बोलिए ना मैंने कहा अरे भाई इतना देर से बोल रहे हैं 10 साल लगातार सुनिए ना बोलने नहीं दे रहे बिहार में आप दिक्कत क्या है ना आप राज्य में आप भी शासन किए हैं लगभग आधे अभी होगा एक आध साल ज्यादा भाजपा आपसे सरकार में रही होगी आप भी जो है सो आपके भी जो कांग्रेस और आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं लगभग आधे ही समय में आप लोग रहे राष्ट्रपति शासन और सब जोड़ लीजिए 2 साल ज्यादा रहा होगा बीजेपी दो बीजेपी 2 साल ज्यादा रही होगी सवाल नहीं मैथ हमको मत सिखाइए सवाल ये है ना कि आपने लोगों के बीच में आप ये तो देखिए ये जो चुनाव पर विश्लेषण हो रहा है तो चुनाव पे बात करिए दूसरा विषय पर बात करना होगा तो दूसरे पर भी बात कर लीजिए आप ये सरकार करेगी क्या सरकार पूरे अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है चलिए सरोज जी लेकिन सवाल है चलिए इसी पे आपसे ही हम शुरू करेंगे लेकिन फिलहाल हमें रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक कांग्रेस और छापा से शीर्ष नेता बैठे हुए हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर जो दावेदारी थी उसमें कितने कामयाब हुए हैं आपके पार्टी के उम्मीदवार। सरोज जी आपको हमने रोका था आप अपनी बात को पूरी करें। देखिए मैं कह रहा था कि आप पूरे चार ये पांचवा उपचुनाव है चार चुनाव को देखिए हमने उस समय भी चैनल में आपको आकर के आपके चैनलों में चाहे जिस चैनल में गया तो ये बातें कहा हमने चीख चीख के कहा कि ये जो परिणाम उस समय तो देखिए उस समय तो रिजल्ट हमारे पक्ष में नहीं आया चुनाव जीत गए लेकिन जो रिजल्ट था चारों उपचुनाव का उस समय हम इनको कहा था हमने कांग्रेस के लोगों को झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोगों को कि ये जो चुनाव परिणाम है ये खतरे का संकेत आपके लिए है आप जरूर चुनाव जीत गए हैं लेकिन जहां पर जिस जो जो दुर्लभ सीटें जो उपचुनाव हुई चाहे वो मांडर हो दुमका हो मधुपुर हो और इन सब सीटों पर और एनडीए गठबंधन जो है वो फाइटिंग में नहीं बल्कि 5,000-7,000 से सीटें हारी 10,000 से हारा और सीधी फाइट में सारे दल एक होने के बाद तो हमने कहा कि ये सरकार के खिलाफ मैंडेट है जहां 60,000 हमको मिलते तो वोट वहां 1,05,000 चले गए तो हमने कहा कि ये दुर्लभ सीटों पर ये हाल है तो आपके लिए खतरे की घंटी है और ये सीट तो एनडीए का रहा है आईडो ने कहा कि कई बार चंद्रप्रकाश जी जीते हैं तो उसका परिणाम तो एनडीए का सीट रहा है और एनडीए लड़ा है आप रिजल्ट इनको पता चल जाएगा और अभी कह रहे कि हम जीत रहे हैं अभी तो हम तो बोल रहे थे कि भाई 2 तारीख को भाग जाएंगे अब आ गए भाई साहब आए तो इन्होंने बता दिया उन्होंने तो मार्जिन बता दिया कितने का मार्जिन है मैं मार्जिन नहीं बता रहा हूँ जनता मालिक है जनता वोट दिया है लेकिन मैं आपको बताता हूँ 10 बजे के बाद कोई चैनल में नहीं जाएंगे और मैं इस चैनल के माध्यम से सरकार को कह रहा हूँ और इन सभी लोगों को कि ये चारों उपचुनाव और ये चुनाव उसी समय से मैं कहा था कि एक सरकार के लिए खतरे की घंटी है ये लूट और झूठ की सरकार के खिलाफ जनता है और जनता जब वैसे सीटों पर इनके इतने विपरीत सीटों पर परिणाम ऐसे रहे कि 5-10 हजार से पूरी सरकार लगा के मुश्किल से जीत पाए तो यहां तो रिजल्ट हमको पता था कि यहाँ क्या होने वाला है लेकिन ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं है और हर चीज को आज वीरेंद्र अब
अगर कोई पीटी चला जाए, अगर कोई ट्रेन में टिकट लेके जाए और विदाउट टिकट और पकड़ा जाए तो कहे कि इसके पहले तो सरोज सिंह भी गए थे, इसके पहले तो शमशेर जी भी गए थे, अशोक जी हम ही क्यों पकड़ा गए। अरे भैया पहले गए थे, अभी आप पकड़ाए हैं तो आपको ना पूछेगा, आपके सरकार में भ्रष्टाचार हुआ, साढ़े तीन साल से आपकी सरकार है, अभी वीरेंद्र राम हो या पूजा सिंगल हो या जिसके यहाँ छापे पड़ रहे हैं और पैसे निकल रहा बोल रहे हैं उनके समय भी हुआ है। अरे जब पकड़ाए गए स्टेशन पे जब चोर तो उस समय कहेगा कि फल्ला भी गए थे पीछे, अरे भैया उस पर तो पहले कार्रवाई करी ना, आज तक पूजा सिंह पर आपने एफआईआर कार्रवाई के लिए एफआईआर आदेश दिया है। सरोज जी, सरोज जी, शमशेर आलम जी, अब जाहिर तौर पर जिस तरीके से उसमें बड़ी साफगोई से झूठ को सच करने का ट्रेनिंग दिया जाता है। इन्होंने कहा मांडर दुर्लभ सीट था, जबकि मांडर में इनकी विधायिका गंगात्री कुजूर चुनाव लड़ी है बीजेपी से, बीजेपी का उस सीट था, याद कीजिए आप। दुमका बोलते हैं दुर्लभ सीट था, जब से वहां इनकी मंत्री थी, ठीक है। उसी तरह हमारा मधुपुर, अरे भाई एक बार मांडर जी कहेंगे और त्रिकोण सरोज जी की 50-50 हजार के नहीं बोले प्रत्याशी के वोट के बोले और 52,000 ला के हार गए। हम बोले यही बात तो हम कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं। हम तो कुछ नहीं बोले, दुर्लभ का मतलब ये थोड़ा सा हमने जीते, एक बार मांडे लगातार आप ही जीते, आप लगातार 70 सालों से आप लगातार उदाहरण दे रहे हैं 75 सालों में, वो अच्छा लग रहा 75 साल में एक बार आए उदाहरण दे रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं यार 52,000 वोट ला के जीत गए थे, आपको नहीं लगने चाहिए मिर्ची कहाँ लग रहा, हम तो वही बात कर रहे सामने आपकी पार्टी। अरे भाई नहीं नहीं हम आप सही कह रहे हैं ना, चलिए सर उनके पक्ष में नहीं आया लेकिन इस बार वो पूरी तरीके से पार्टी कह रहे हैं लुटेरी पार्टी कांग्रेस और हमको झूठ कह रहा है, पार्टी ऐसे ही नहीं है, घोटाला कोलगेट स्कैम ये आप लोग लाखों लाख करोड़ की घोटाला करने वाली कांग्रेस करोड़ की जनता किनारे कर दिया है, लाखों लाख करोड़ की घोटाला की बात तो आपके खाते से नहीं निकलती है और जब कितने लोग, अरे आज के डेट में जिस ईडी और सीबीआई को आप के गाली दी है, जिस ईडी और सीबीआई को गाली दी है, आज सालों में 1,00,000 करोड़ से ऊपर ईडी ने सब किया है, अरे साल में कितना किया जो आप दीजिए के नेताओं को मुख्यमंत्री 4,000 करोड़ रुपया केंद्र में बैठे 1,00,000 करोड़ तो केंद्र में बैठी संपत्ति अटैच कर लिया भ्रष्टाचार में 1,00,000 करोड़ से ऊपर, क्या बात करते हैं आप लोग, आप तो है वासिक मसीह, हमारे यहाँ लाखों हमने 1,00,000 करोड़ से अधिक गुस्सा संपत्ति जब्त किया और आप लाखों लाख करोड़ लूटे कांग्रेस और भाई वाले के घर में पत्नी में 2,000 पर आरोप लगे लाखों करोड़ घोटाले पैसा पकड़ा, हमने हम लाखों करोड़ अटैच कर रहे थे, अरे हम जुग सवाई से टिकट दे रहे थे, चलिए उसपे हम बात नहीं करेंगे, उसपे हम अभी वो हमारा अभी टॉपिक नहीं है, शमशेर आलम जो हमारा ट्रैक नहीं है फिलहाल उस ट्रैक पे हम नहीं जाने की कोशिश करेंगे और जाहिर तौर पर भागना चाहते हैं बिल्कुल भी नहीं भटक रहे हैं और जो सरोज सिंह ने साफ तौर पर कहा कि 4 उपचुनाव हुए, 4 में नतीजा उनके पक्ष में नहीं आया है और क्या आपको हमारे हमसे पूछो तो जरा बोले शमशेर भाई इतना सीनियर है, बच्चे जैसा डिबेट क्यों कर रहे हैं आप, चलिए अभी नहीं बोलने दे रहे, आप बोले तो जनता फैसला करेगी ना, जनता मालिक है ना, अगर हम बोले तो जनता को सुनेगी, बच्चे जैसा डिबेट कर हमने क्या कहा, डिबेट नहीं कर रहे, अरे तो क्या करे बीच में क्या कर रहे हैं, अरे भ्रष्टाचार की बात आएगी इन लोग ऐसे ही करेंगे, ऐसे ही चिल्लाएंगे, दोनों दल के लोगों की यही स्थिति है, एक दल ऐसा है जिसमें भ्रष्टाचारी जाता है वो सफेद कपड़ा हो जाता है, दूसरा दल ऐसा है बिना भ्रष्टाचार के जिंदा नहीं रह सकता है, जनता के साथ खिलवाड़ दोनों दल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार झारखंड में अकंठ डूबा हुआ है आज के दौर में, देखिए क्या है इसलिए आप लोग हमारे हमारे शब्दों हमारे हमने जो कहा उस शब्द को कहिए दूसरा अपने नहीं जोड़िए सबको, हमने कहा कि
उन सब सीट पे हम चुनाव परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, लेकिन चुनाव में जो मतदान हुए और जो ट्रेंड था वो बताता है कि सरकार का जो है खिलाफ जनता है और सरकार के खिलाफ मैंडेट आ रहा है। और ये सीट तो अपने अनुकूल था तो उसका रिजल्ट तो पता चलेगा, ये तो आना ही था, ये तो कितना भी ये लोग कूद ले, लेकिन सवाल वो नहीं है। और देखिए मेरे अशोक भाई मित्र है, तब से बोल रहे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं उनपे, आप भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। भोजपुरी में कहावत है, अब नहीं कहूंगा छोड़ दीजिए, अब इनके इनके आप बीच में उनकी बात मैं नहीं करूंगा, नहीं मैं समझता हूँ कि बीच में कहावत बोलना चाहिए, लेकिन जो है ना कुछ डिबेट बढ़ेगा, लेकिन क्या है ना शमशेर भाई आजकल जो है ना इतना सीनियर लीडर हो करके पार्टी का इस तरह डिबेट में बीच में, अरे आपका आपको मौका आएगा लेकिन ये बात स्वीकार करिए कि सरकार बीच में कौन आया शुरू हो, मैं पिछला बार बोल रहा हूँ आप बीच में बोल रहे नहीं, हम बीच में कभी नहीं बोले, नहीं जनता देख रही है और सब लोग देख रहे हैं, बीच में हम कभी नहीं बोले है। तो अब इस पर जो है ना चलिए बिल्कुल अब सब जो है वो ईवीएम में कैद हो चुका है। भाई ने कहा कि ये लोग मुद्दे से भाग रहे, मुद्दे से हम क्या भागे सर, मुद्दे तो आपने सारा चीज देकर रखा है। आप ज्वाइंट चुनाव लड़े हैं यूपीए गठबंधन ने, 2019 के मैनिफेस्टो में आपने क्या क्या घोषणाएं की कि मैं सरकार में आऊंगा, पहली कैबिनेट में मैं स्थानीय नीति बनाऊंगा 1932 के खतियान के अनुरूप, है ना, ओबीसी को मैं 27% आरक्षण दूंगा। इन्होंने 3.5 साल बाद तब, जबकि इनका लगा कि मेरा गला फंसने जा रहा है, मुख्यमंत्री को ईडी का सम्मन हो रहा है, मुख्यमंत्री को क्वेश्चन हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से इनके खिलाफ लिफाफा आ रहा है, सब चीजें आ रही थी, इनको लगने लगा कि कहीं ना कहीं अब ये सप्ताह जाने वाली है, तब उनको सूद हुआ कि मैंने जो कुछ घोषणा किया था। इन्होंने 1932 के खतियान को कैबिनेट में पास करा और विधानसभा में पास करा, लेकिन एक क्लाउज के साथ, वो क्लाउज क्या दिया कि मैं इसको पारित कर रहा हूं और ये मैंने इसमें आएगा, तभी आएगा क्या बोलते हैं उसको, लागू होगा जब ये संविधान के 9वीं अनुसूची में शामिल कर लिया जाएगा। ये लॉलीपॉप दिखा रहे हैं इनको, सरकार यूपीए केंद्र में इनकी बैठी हुई है, इनके पास कैपेसिटी है पार्लियामेंट में एनडीए में लाने के लिए, ये तो तब होगा जब भारतीय जनता पार्टी या जो भी सरकार वहां बैठती है वो कराएगी। जबकि सीधे डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये राज्य अधिकार क्षेत्र का मामला है, हाँ। इसको भारत सरकार के पास भेजना जबरदस्ती लटकाने की बात है, हमको करने का मनसा नहीं है, नहीं है आपको। चलिए सबसे पहले बीच में जवाब दीजिए, जवाब दे रहा हूँ, हाँ दीजिए ना, संवैधानिक तौर पर ये लॉलीपॉप झारखंड और झारखंडियों के लिए लाइएगा, आप ये तो बताइए ना, नीति लाइएगा, बोले हाँ बोले ना, ये भी बोलेंगे चूंकि झारखंड आंदोलनकारी है, झारखंड सबसे पुराना पार्टी है, हसन साहब भी बोलेंगे कि झारखंड के हम मिट्टी के पार्टी हैं, लेकिन एक बात बताइए, आज हम पूछते हैं कि आपने 19 साल जिस पार्टी के साथ रहा, गठबंधन के साथ रहा, आपका हमेशा आंसू पार्टी का ये रहा कि 1932 की बात आपने किया, 19 साल में जो काम आप नहीं कर सके उसको हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 साल में किया, 2 साल सरकार बने, सुनिए बता रहा हूँ क्या किए, अरे मैं आ रहा हूँ बताइए, 2 साल के अंदर इन सारे विधेयक को लाने का हम लोग काम, सब झूठ बोल दिए ना, 2 साल विधेयक जब गया 19 साल में झूठ बोले, 2 साल झूठ बोल दिए ना, मैं बता रहा हूँ ना, 1 साल पहले विधेयक भेजे हैं, हाँ तो क्या चीज वही तो झूठ है ना, बीच बीच में बोले, चलिए अब जाहिर तौर पर उसको समय कम है हमारे पास, आपको सुधार के लाना चाहिए था, सवाल ये उठता है, चलिए तो इन मुद्दों पर अब बजट सत्र की भी शुरुआत हो चुकी है, बजट सत्र की भी शुरुआत हो चुकी है, जाहिर तौर पर विपक्ष ऐसे सवाल करेगा और उसका जवाब सरकार क्या देगी वो भी देखना अहम होगा, क्योंकि बजट सत्र की आज से शुरुआत भी हो चुकी है और उम्मीद है कि जनहित के मुद्दे को उस पर उठाया जाएगा। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए, हसन जी, लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन, न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।